जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार ने पकड़ी और रफ्तार। राहुल गांधी आज दो जनसभाओं को कर रहे संबोधित। प्रियंका गांधी कल बिलावर और बिश्नाह में भरेंगी हुंकार। प्रधानमंत्री की जम्मू में रैली की तैयारियां लगभग पूरी। आग से लगातार धधक रहे डोडा के कई जंगल, हरा सोना जलकर राख। वातावरण में धुला जहर, संदिग्ध परिस्थितियों में जंगलों में उठ रही लपटें। जम्मू में मूसलाधार बारिश से झीलें बनी सड़कें, कई इलाकों में सीवेज व्यवस्था की खुली पोल। तेज तूफान और बारिश से किसानों के मुरझाए चेहरे। चलिए स्वागत है आप सबका जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे सियासत को लेकर। विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए सभी राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है और वहीं पर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जहां एक तरफ फिर जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी बहन यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कांग्रेस के उम्मीदवारों के प्रचार की कमान संभाल ली है। राहुल गांधी आज रामगढ़ में कांग्रेस के उम्मीदवार यशपाल कुंडल के समर्थन में आज चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद आज दोपहर को खौड़ में भी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं पर दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा भी कल सुबह 11 बजे बिलावर और दोपहर 12:30 बजे के करीब बिश्नाह में कांग्रेस उम्मीदवारों का प्रचार करती नजर आएंगी। कांग्रेस के इन दिग्गजों के अलावा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में भाजपा द्वारा आयोजित चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंच रहे हैं। तो इन तमाम चीजों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और तमाम जो सियासी दल है उनके द्वारा लगातार जो प्रचार और प्रसार है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि हमने देखा कि लगातार स्टार प्रचारक बीजेपी की तरफ से जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने भी आखिरी चरण का जो मतदान 1 अक्टूबर को जम्मू, सांबा और उधमपुर, कठुआ इन तमाम जिलों में होना है, उसको लेकर कमान संभाल ली है। तो इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ सहयोगी विनोद कुमार जी से। विनोद जी, जिस तरीके से रफ्तार जो है वो अब तूल पकड़ती नजर आ रही है, अब केवल थर्ड फेज ऑफ इलेक्शंस बच चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो चुनाव प्रचार है, धुआंधार रैलियां हैं, ताबड़तोड़ रैलियां थमने का नाम नहीं ले रही, जहां प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन है राहुल गांधी यहां पर पहुंच रहे हैं, उनकी बहन प्रियंका गांधी भी जम्मू कश्मीर कर पहुंच रही हैं, किस तरीके से देखते हैं आप इन सभी चीजों को? शिपन, अब ये आखिरी चरण है और इस आखिरी चरण में 40 सीटें हैं, 40 में से 24 सीटें जम्मू प्रोविंस में है और जम्मू प्रोविंस की जो 24 से 24 सीटें हैं वो हिंदू बहुल एरियाज हैं और हिंदू बहुल एरिया में भाजपा और कांग्रेस की कांटेदार टक्कर रहती है। और यह शायद यही कारण है कि राहुल गांधी दो रैलीज को आज संबोधित कर रहे हैं, छम में भी कर रहे हैं और रामगढ़ में भी कर रहे हैं और कल प्रियंका वाड्रा भी आ रहे हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं। दूसरी ओर मौलाना आजाद स्टेडियम में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उनकी ललकार रैली हुई थी, वो हमने देखा था और कल की रैली निर्णायक रैली होगी क्योंकि 24 सीटों पर इसका इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है, जिसमें कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, सांबा डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट है और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, चार जिलों की 24 सीटों पर इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है क्योंकि कल की रैली बड़ी अहम रैली और निर्णायक रैली है। बिल्कुल विनोद जी, जिस तरीके से हमने देखा और कई महीनों से हम इन तमाम चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 के बाद कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली है, डिलिमिटेशन 2022 में होती है जिसकी वजह से यहाँ की सीटें भी बढ़ी हैं, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की आवाम को काफ़ी फायदा हुआ है। ये जो तमाम बड़े ऐतिहासिक फैसले जम्मू कश्मीर की जनता के हित में लिए गए हैं, कितना फ़ायदा बीजेपी को हो सकता है क्योंकि तस्वीर बदली है और फ़ायदा कहीं ना कहीं हर एक आयु वर्ग के जो व्यक्ति हैं जम्मू कश्मीर के उनको मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जो ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन आई 5 अगस्त 2019 को, संवैधानिक बदलाव हुआ, 370 में संशोधन हुआ, 35A को हटाया गया, उसके बाद से अगर हम ये कहें कि कश्मीर से बीजेपी को फ़ायदा होगा वो नहीं है और जम्मू में इसका फ़ायदा हो सकता है क्योंकि कश्मीर में दूसरा ट्रेंड है, दूसरा नेरेटिव बिल्ड करने का प्रयत्न किया गया है, कोशिश की जा रही है
कि वहाँ पे इसके विरोध में, जैसे मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी किया, उन्होंने कहा कि हम हुकूमत में आएंगे तो संघर्ष तेज कर देंगे 370 की वापसी, 35A की वापसी को लेकर के, तो वहाँ टनल के उस पार ये सूट करता है, लेकिन टनल के इस पार ये सूट करता है कि हमने आपके दो झंडे, दो संविधान को खत्म करके पहली मरतबा ऐतिहासिक चुनाव करवाने जा रहे हैं, और जिसमें एक एक झंडे के तले, एक संविधान के तले जम्मू कश्मीर में पहली मरतबा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ये नैरेटिव टनल के इस पार रहता है। और दूसरा नैरेटिव कि हमसे, हमारा विशेष दर्जा छीना और हमारा एक ध्वज जो अपना फ्लैग था वो छीना, संविधान छीना, वो दूसरी तरफ नैरेटिव, दोनों ही तरफ अलग अलग नैरेटिव इसका रहेगा। बिल्कुल विनोद जी, जम्मू कश्मीर का नाम तो एक साथ लिया जाता है लेकिन माइंडसेट जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन का अलग है, जिस तरीके से आपने भी कहा। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कई दशकों से अगर हम देखें तो कश्मीर एपिसेंटर रहा है पॉलिटिक्स का, लेकिन इस बार कुछ नरेटिव चेंज होता नजर आ रहा है और जम्मू भी इक्वली पार्टिसिपेट करता नजर आ रहा है इन असेंबली इलेक्शंस में। तो अब कहीं ना कहीं जम्मू के लोग भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें, जिस तरीके से हम ग्राउंड पर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो लोगों का अब ये मानना है और लोगों की एक डिमांड जो है वो उठती नजर आ रही है कि अब एक शासक ऐसा होना चाहिए जम्मू कश्मीर में जो कि जम्मू से पूरी कमान संभाले और कश्मीर को भी अपने अंडर ले ले, और साथ ही साथ पूरे जम्मू कश्मीर को ओवरऑल डेवलप किया जाए, ना कि जम्मू डिवीजन अलग से और कश्मीर डिवीजन अलग से। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पिछले 7.5 डेकेड से ऐसा ही होता रहा है, 75 सालों से पक्षपात की राजनीति होती रही है, जम्मू के साथ सौतेला व्यवहार होता रहा है और जम्मू के लोग वक्तन वक्तन आवाज़ भी उठाते रहे हैं। शिपवन एक वक्त ये भी आ गया था कि जम्मू को अलग करने के लेकर के जम्मू स्टेट मोर्चा का गठन भी किया गया था, बार बार ये डिमांड उठती रही है। लेकिन अब जो राजनीतिक एपिक सेंटर है किसी हद तक टनल के इस पार आ चुका है, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से वहाँ पार्टियाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं टनल के उस पार, हम अगर PDP की बात करें, कांग्रेस की बात करें, NC की बात करें, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, अवामी इत्तेहाद पार्टी की बात करें, अपनी पार्टी की बात करें, बहुत सारी बल गए हैं, वो फ्रैक्चर्स हो गए हैं, स्केटर्ड हो गए हैं, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी भी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और BJP का दबदबा है, यहाँ पर उनका वर्चस्व है। तो यहाँ पर अब जो भी सरकार चुनी जाएगी जम्मू से ही चुनी जाएगी, इतना अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा बदलाव जरूर देखने को मिला है। बिल्कुल बदलाव जम्मू कश्मीर में हुआ है विनोद जी। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस की, जो कि हमेशा से चर्चाओं में रहा है, इनिशियली इनके बीच में कुछ सीट शेयरिंग को लेकर जो है वो यहाँ पर मतभेद देखने को मिला, और अब ये आपस में ही एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी द्वारा फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शंस में इतनी सीरियसली यहाँ पर जम्मू कश्मीर को नहीं लिया गया, लेकिन फर्स्ट और सेकंड फेज के बाद अब लगातार ताबड़तोड़ रैलियां राहुल गांधी की तरफ से देखने को मिल रही हैं। आज भी उनकी जम्मू में 2 रैलियां हैं, उनकी बहन कल जम्मू कश्मीर में आ रही है, तो इन तमाम चीजों को किस तरीके से देखते हैं आप? बिल्कुल, आप देखिए जिस तरीके से लगातार प्रचार हो रहा है और सभी पार्टियां, मैं तो ये कहूंगा कि बीजेपी एक ऐसी जमात है जो 24x7 मल्टीप्लाई बाय 365 इलेक्शन मोड पे रहती है, और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को जितना इफेक्टिवली या इतना एग्रेसिवली प्रचार करना चाहिए था नहीं किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भरसक प्रयास किया है चुनाव में, लेकिन अगर प्रचार की बात करें, कंपेन की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है, और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो इससे और भी चीज़ें, परिस्थितियाँ बदलती जाएंगी। जी ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ थे विनोद कुमार, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के हवाले से तमाम जानकारी साझा की। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसका जनाधार जो है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, रूट्स काफी स्ट्रांग है। जम्मू में रूट्स हमेशा से स्ट्रांग थी, लेकिन कश्मीर में भी अब कुछ लोग हैं जो वो बीजेपी को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं, जो इनकी नीतियां हैं, उनको सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, और जम्मू की और सबकी नजरें हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ अक्टूबर यानी कि थर्ड फेज ऑफ इलेक्शंस यहां पर होने वाली है। 4 अलग अलग जिले हैं, 40 सीटें हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा रही हैं, और हिंदू बाहुल्य एरियाज हैं, और बीजेपी की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि इन दोनों सीटों पर जब हमने देखा था लोकसभा चुनाव हुए थे तो दोनों ही सीटों पर जो है वो बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। तो इन तमाम चीजों के समीकरण किस तरीके से बनेंगे जब वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी वो तब देखने वाली बात होगी, और 8 अक्टूबर को जब तमाम जो रिजल्ट निकल कर सामने आएंगे तब आपके सामने पिक्चर जो है वो क्लियर होती नजर आएगी। इसी बीच में जिला डोडा के हवाले से अगर बात करेंगे तो डोडा के कई इलाकों के जंगल जो है वो आग से जलकर धधक रहे हैं।
जंगलों में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग रही है और बाग से जहां पर हरा सोना कहे जाने वाले पेड़ जलकर राख हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर भी लगातार प्रदूषित हो रहा है। पॉल्यूशन कहीं ना कहीं पूरे एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो रही है। जिले के चिराला इलाके के जंगलों में भी संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई, जिस पर कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के अमले ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं जंगलों में लगातार आग लगने से वन विभाग भी सकते में आ चुका है और पूरे इलाके में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं और लगातार इस आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि कुछ हद तक कहीं ना कहीं सफलता फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को मिल चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कि धू धू कर ये जंगल जो है वो जलते नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ वसीम ज्वाइन कर चुके हैं तमाम जानकारी देने के लिए, डोडा से हमारे संवाददाता। वसीम, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ रीजंस है, क्या रीजंस साफ हो चुके हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले भी हमने इस हवाले से अपडेट किया था कि लगातार जंगलों में आग लग रही है, लेकिन क्या रीजन साफ हो चुके हैं कि किन कारणों की वजह से ये आग जो है वो लगातार लग रही है? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, पिछले दिनों में हमने इसी तरह की खबर आपको दिखाई थी। अब हम देख रहे हैं कि डोडा का जो चिराला इलाका है वहां से लगभग 5:30 के करीब कल हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन आती है कि एक इलाके के अंदर आग लगी हुई है और देखा यह जा रहा है कि बड़े पैमाने पर इस इलाके के अंदर आग लगी। और जब फायर सर्विस का अमला वहां पे पहुंचा और अलग अलग एरिया से उन्होंने वहां पे गाड़ियां मंगवाई क्योंकि आग ने पूरे इलाके को लपेटे में ले लिया था। और इसमें देखना यह है कि क्या इसके पीछे सच्चाई क्या है। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आग लगने के दो रीजन होते हैं। एक तो जिस तरह से डिपार्टमेंट का हाथ होता है, हालांकि इसमें कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन हमारे पास नहीं, ना ही किसी शख्स ने, मगर अक्सर हमने देखा है कि इसमें पुख्ता सबूत मिटाने के लिए भी डिपार्टमेंट इस तरह का काम करता है। और जब खेती बाड़ी कोई शख्स करता है इलाके के अंदर तो वो जरूर वहां पे आग लगाता है, मगर इसके पीछे हमने अभी कोई सच्चाई नहीं मिली है कि आखिर वजूहत क्या रही है। देखिए, इससे एक तो पोल्यूशन काफी ज्यादा फैल रहा है और ग्रीन गोल्ड का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और हम दूसरी तरफ से ये देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट के लोग अलग अलग एरियाज में जाके वहां पे लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और जहां तक हम बात करें, कल का बड़ा इंसिडेंट जब ये होता है तो डिपार्टमेंट के यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई भी शख्स वहां पे मौजूद नहीं था, जो अभी तक हमें इतला मिली है। तो इसके पीछे आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लापरवाही कितनी ज्यादा देखी जा रही है। और पिछले दिनों में आपने देखा था जब पुलडोडा के ऊपरी इलाके में आग लगी थी, वहां भी कंसर्न महकमे के लोग हमें नहीं देखने को मिल रहे थे। तो एक बहुत बड़ा फेलियर उनका है और लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा है क्योंकि चिनाब खेती के अंदर इस तरह का जो माहौल हम देख रहे हैं बनता हुआ नजर आ रहा है। एक तो पोल्यूशन काफी ज्यादा और खूबसूरती से इलाका काफी ज्यादा सजता है। जब ग्रीन गोल्ड आप देखेंगे पूरे इलाके के अंदर चारों तरफ से देख रहे हैं कि चिनाब खेती के अंदर इससे काफी इलाका जो है मशहूर है और खूबसूरत काफी ज्यादा है। अब हम देख रहे हैं कि इस ग्रीन गोल्ड को जहां पे नुकसान काफी ज्यादा पहुंच रहा है और जहां पे हम देख रहे हैं कि कंसर्न महकमे की लापरवाही इतनी ज्यादा देखी जा रही है, ना ही कोई स्टेटमेंट उन लोगों का सामने निकल के आता है। तो इसके पीछे लोग चाहते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेशन ने टीम एक बनानी चाहिए जो इलाके के अंदर जाए, लोगों से भी बातचीत करे और सच्चाई क्या है ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो देखना होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो टीम बनती है वो कहां तक पहुंचती है और लोगों को किस तरह अवेयर करती है और सच्चाई क्या है। अगर हम देखें तो तमाम जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है वो लोगों के हित में काम करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन वहीं पर जंगलों को राख में तब्दील किया जा रहा है, वन विभाग के कर्मचारी वहां से एब्सेंट हो जाते हैं, किस तरीके से काम करने की जरूरत है, जो हायर ऑफिशियल्स हैं, जो हायर डिपार्टमेंट्स हैं, उनको किस तरीके से नकेल कसने की जरूरत है? देखिए शिपन, मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां तक मैं बात करूं इस प्रोग्राम के माध्यम से हम अलग अलग आपको खबरें दिखाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं बात, आप देखेंगे कि हमारे जिला डोडा के अंदर ऐसे भी कुछ डिपार्टमेंट हैं जो पीछे की तरफ आ रहे हैं। हालांकि इसमें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। आप देख रहे हैं जहां पे ग्रीन गोल्ड की हम बात कर रहे हैं, ये ग्रीन गोल्ड माना जाना चाहता है, आज हम देख रहे हैं कि इसका नुकसान लोग जब देख रहे हैं कि उनको गुस्सा भी काफी ज्यादा देखा जा रहा है। आज सिविल सोसाइटी के लोग भी सवाल उठा रहे हैं, आवाम भी सवाल उठा रहे हैं, आखिर वजूहत क्या है। देखिए, एक तो पोल्यूशन आप देख रहे हैं इस इलाके के अंदर, आपने देखा पुलडोडा के अंदर जब आग लगी। तमाम जानकारी देने के लिए वसीम जो है वो डोडा से अपडेट कर रहे थे किस तरीके से जो वहां के जंगल है वो जलकर राख हो रहे हैं, लेकिन जो कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स है यानी कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स है वो वहां पर मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से लोगों में कहीं ना कहीं गुस्से का माहौल देखने को मिल रहा है। तो खबरों का सिलसिला यहाँ पर जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। तो चलिए, स्वागत है आप सबका इस छोटी सी ब्रेक के बाद, अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां पर जम्मू में आज सुबह हुई मूसलाधार बारिश की वजह से
लोगों का आम जनजीवन जो है वो यहाँ पर थमसा गया है। इस बारिश से जहाँ पर कई सड़कें झीलों में तब्दील हो चुकी हैं, वहीं पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कि जम्मू नगर निगम की लापरवाही भी खुलकर सामने आई है। इस बारिश ने मार्बल मार्केट की अगर बात करेंगे जो कि त्रिकुटा नगर के पास है, वहां पर सीवेज व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है और साथ ही साथ बारिश का पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुसने से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। तो पिछले बार भी हमने यही बात कही थी, रिक्वेस्ट की थी हमने कमिश्नर साहब से कि ये नाली की साफ सफाई करवाई जाए, तो इस बार भी देखने को मिला कि पानी बहुत ज़्यादा बाहर आ गया, लोगों के दुकानों में गया, घरों में गया और बच्चे भी स्कूल के नहीं टाइम से पहुंच पाए। और हम चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कमिश्नर साहब से कि ये नाली की साफ सफाई करवाई जाए और इसको देखा जाए। सारे के सारे जाले उतर गए हैं, नीचे रोड में आ चुके हैं और पिछले बार देखा खड्डे कितने पड़े हुए हैं। इधर कोई साफ सफाई इतनी नहीं होती नालों की, सिर्फ दिखावा है। और इलेक्शन के टाइम पे बड़े से बड़े इधर मिनिस्टर आ रहे हैं पर इधर की कोई साफ सफाई नहीं हुई, खास करके ये हमारे खुराना मार्बल के आसपास ये बड़ा गंद बचा हुआ है। यहाँ पे आर्मी भी वैसे ही हाल है, सिर्फ ये बेचारे म्यूनसिपलिटी के कर्मचारी हैं, ये बहुत साथ देते हैं, साफ सफाई कर देते हैं चौक में बारिश के बाद, पर ये वो हल नहीं है। हल वो होना चाहिए कि नाला साफ हो जाए जो पानी बाहर ना आए, पानी बाहर आने से बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमारे को। 15 दिन पहले हमने एक बार पहले भी आपसे बात हुई थी हमारी कि कैसे पानी आ रहा है, नालों से बाहर निकल रहा है, लोगों के घरों में घुस रहा है पानी, तो आज भी वही हालत थी। आपने तो देखा ही होगा, वो इतना पानी आया था, इतना पानी आया था, उसकी स्मार्ट सिटी की पूरी पोल खुल गई है। आज ये इतना कुछ बोलते हैं कि ये स्मार्ट सिटी है, आजकल कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, इलेक्शन के टाइम में बाद में फिर से किसी ने दिखना नहीं है। तो आज इतना पानी आया था, लोगों की दुकानों में, घरों में, हर जगह पानी ही पानी हो गया था। सड़कों पर तो आपने देखा ही है, लोग कैसे बेचारे, कोई इधर गिर रहा है, स्कूटी इधर गिर रही है, लोगों का निकलना मुश्किल हो गया था। और ये मेन जम्मू सिटी की हालत है। साफ सफाई क्या करनी, ये नाले फिर से बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे नाले हैं ये, पानी इतना आता है नालों के अंदर तो पानी जाता ही नहीं। आप देखो उधर नाले सारे टूट चुके हैं, ये सारे जो इन्होंने ऊपर लगाए हैं, जाले लगाए हैं, वो सारे बाहर निकल गए। थोड़ी सी बारिश हुई है तो बुरी हालत है, लोगों के घर में पानी जा रहा है, नाले हैं जो उछल के पूरा गंद बाहर आ रहा है, और जो उनके ढक्कन हैं खुले पड़े हैं, इसमें रात को कोई बंदा गिर जाए और बंदा मर भी सकता है। तो ऐसे है कि इसके मतलब जो जो सड़कें बनी हैं टूटी हुई हैं, बुरी हालत है, किसी के कान पे जू तक नहीं रिंग रही है। और सर देखते हैं कि बस ऐसे काम हो जाना चाहिए, ऐसे काम तो होगा नहीं। जो भी नाले बनाए हैं इनकी कोई कंडीशन नहीं है, ना इनकी गहराई है, ना कुछ है, और पूरा पानी थोड़ी सी बारिश होती है पूरा बाहर आ जाता है। और दुनिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, जाम लगा हुआ है। और मैं ये आपको पहले दिखाना चाहता हूँ, ये पीछे एक रोड टूटा हुआ था, थोड़ा सा इन्होंने उसको रिपेयर किया, उसमें सीमेंट तो मिलाया नहीं, कुछ नहीं मिलाया, दोबारा वैसे का वैसा हो गया है। लेकिन जो भी काम करना है ढंग से होना चाहिए। एक जंगले लाए हैं, वो पीछे लगा दिए हैं, उससे क्या और उसमें फंस के जो बोरियाँ मारी हैं तो पानी उल्टा और बाहर की तरफ आ रहा है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी कोई तरतीब होनी चाहिए। इसका मैं कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मौके पे आके देखें और जनता का हाल निकालें। वहीं दूसरी तरफ तेज तूफान और बारिश से किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं। बारिश से जम्मू के ग्रामीण हलकों में धान की फसल तबाह हो गई है और इस बार उम्दा फसल होने की किसान वर्ग को यहां पर कहीं ना कहीं उम्मीद थी और किसान वर्ग को मुंह मांगी मुराद भी मिल गई थी, लेकिन आज आसमान से बरसी आफत ने किसान जो है वो अपना माथा पीटने को मजबूर हो चुके हैं। ये बारिश के बारे में अं एक गल कहना चाहते हैं कि किसान इस बार बहुत खुश हैं क्योंकि फसल बहुत अच्छी हैं, मगर ये जो तूफान और बारिश जी है ये फसल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है, क्योंकि ये बारिश की वजह ना, तूफान की वजह ना जी बासपति की फसल है ये जमीन पर लेट गई है और वो दाना जो कम से कम 50% दाने का नुकसान हो जाना, क्योंकि ये दाना पूरा लै नहीं सकेगी और दाना जानी कि पतल हो जाती है। इस वास्ते किसानों भी मैं चाहिए और खास करके डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर अगे मैं ही बेनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वक्त मौके के उत्ते किसानों का जो फसल का नुकसान होया कोई मुआवजा करना चाहिए,
क्योंकि इधर सारे जिंद मेलू कुदम जहाँ ममका खिंदड़ इधर सारे जानी कि फसल है जरा जमीन लेट गया बारिश की और तूफान की वजह नाल अं चाहे भी और किसानों वास्ते भी अं एक गल कहेंगे कि जो फसल बीमा गवर्नमेंट करे कर दी है मेरा फसल बीमा करना चाहिए और टाइम का फसल बीमा होगा ये जानी कि इस वक्त जो नुकसान है वो भरपाई है जी गवर्नमेंट की तरफों बीमे दे रहे हो सके जनाब जी बारिश हो रही है तूफान झुल सवेरे इन तो साड़ी जी उम्मीद ही उत्ते पानी फेरता सारा अही इस बार किसान भीर जिन्हें भी बहुत ज़्यादा खुशी भाई इस बार साड़ी जी फसल है बहुत अच्छी फसल है इस बारी सोहनी फसल हुई ही बहुत खर्चा किया फसल के उत्ते दाल अपने खादा पाइया बुआईया दतिया हर बहुत पूरा छे महीना मेहनत की है महाराज अही अपने मुंजी उत्ते जो झोना लाया था तो अज एक दो घंटे के अंदर अंदर जी बारिश और तूफान आया इन्हें साड़ी फसल सारी जी सारी एकदम लंबे पाती लटा दी है और अजे अजे दाना भी नहीं बने अंदर मुंजी अंदर और जी सा कच्ची जी फसल ही डिग पी है सारी और वजह करने सू पत्तल पै गया अच्छा दाना नहीं बन दाना नहीं चला चावल वह नहीं बन पाया है तो इस कारण ये हूँ गोर जे अपने अपने जे गोरमेंट है हूँ साढ़े फसल के बारे देख सकते हैं आन के और जे गरीब लोग बहुत ज़्यादा बुरी हालत उनका लक टुट गया महाराज बड़ी मेहनत की छे महीने मगर हूँ इन्हों बहुत ज़्यादा अफसोस आ रहा है कि साड़ी मेहनत सानू साढ़े पल्ले नहीं पैंदी है तो इस कारण सानू जो गवर्नमेंट देख के अपनी फसल है जी साड़ी फसल गरीबों की तो कुछ मुआवजा जोड़ा वो दिता जाए और अही यो कहने भी जी जी मदद गरीबों की वो की जाए गवर्नमेंट करनी चाहिए गवर्नमेंट ने क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीब लोग ने और बहुत खर्चा आता है एक फसल तैयार करने वास्ते छे महीने लग जाते हैं फसल तैयार करते करते तो जिस टाइम बाय पकती है तो उस टाइम सानू हथ कुछ नहीं साढ़े आंदा है जमीन जी पुरानी बासमती है जी 370 बासमती है साड़ी ये खराब हो चुकी है तकरीबन लेट गई है तो ये दाने बड़ा फर्क पैना इसलिए फसल तैयार थी जहाँ 44 मुंजी लगी हुई है ये भी बड़ा नुकसान हो सारी मतलब बारिश की वजह कने लेट गई है सारी जो थले दाना बह गया वो सारा खराब हो जाना तो नुकसान किसानों तो नुकसान ही नुकसान है डिपार्टमेंट चाहिए कि एक दौरा करे जिन्हें मिलगुए वगैरह सलामे चक चौहाला जे कुतुब जाम इस एरिए सारे दौरा करके तो देख आनी है फसल मौका मुआवजा वगैरह शगैरा देन फसल देख आनी है फसल बारे जिससे कनाल तो 5000 रुपया एक कनाल पर खर्चा आता है तो किसान के बचना है मुंजी का भा इसलिए 4000 रुपया है तो किसान के करेगा तो मजदूरी नहीं मान इस पर। तो चलिए जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।